ये मौका जाने कर बलाई सब्र करो उन्हें अच्छी तरह आगे आने दो बस सरो चैर मैं जी साहब पार जाए नहीं होगा अबुजर हूँ हाँ बोलो मेहदी सूरत यह है कि हम दुश्मन के फायर की जद में हैं हमें मदद की जरूरत है मुकाबला करो मेहदी अभी पहाड़ी दोस्त एक आजाद नहीं हुई मेरे बहुत से सिपाही जख्मी हैं जानता हूँ मुमकिन हो तो जख्मियों को पीछे भेज दो पीछे जख्मियों को इन रुकावटों की मौजूदगी में महफूज जगह भेजने का कोई इम्कान नहीं अगर ऐसा किया तो एक भी सालिम नहीं पहुंचेगा मेहदी जान तुम दुश्मन को मसरूफ रखो साले और उसके साथी लड़ रहे हैं इंशाल्लाह आज रात तक काम हो जाएगा जैसे ही पहाड़ी 201 आजाद हुई तुम्हें इमदाद पहुंच जाएगी अब ऐसा करो कि अपनी सूरत हाल मुझे कोड वर्ड्स में बताओ हम अबुजर सादिक अबुजर हम चाहते हैं कि पहाड़ी उनके लिए जहन्नम बना दें समझते हो जहन्नम कि आपको इल्म है हमारी बटालियन का मकसद
दुश्मन को फरेब देना है। इस तरह हम दुश्मन की ताकत को इस इलाके में मशगूल रख रहे हैं ताकि हमारी फौज पहाड़ी 201 को आसानी से हासिल कर सके। इस तरह अमलन ये इलाका आजाद हो जाएगा। अभी तक बजाहिर कामयाबी नहीं हुई, फायरिंग की आवाज आप खुद सुन रहे हैं। हमारा अब हेडक्वार्टर से कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा हमारे पास अब दो रास्तों के सिवा कोई चारा नहीं। पहला ये कि यहां रुककर मुकाबला करें उस वक्त तक कि पहाड़ी 201 आजाद हो जाए, जबकि यहां न पानी है न गिजा। मैदी साहब, हम अंदाजे के मुताबिक पूरे इंतजाम करके क्यों नहीं आए? शायद तुम भूल रहे हो, यहां हमारा काम उन्हें मसरूफ रखना था। यह तय नहीं था कि इतनी देर लगेगी। रास्ते की तवालत और वक्त की कमी के बायस हमारे लिए मुमकिन न था कि ज्यादा सामान साथ लाते। दर हकीकत हमारा तो जिंदा रहना ही एक मुआवजा है। दूसरा रास्ता यह है कि मैं जख्मियों के पास ठहरता हूं और जो सही सालिम हैं वो आज रात यहां से चल पड़े, क्योंकि जख्मियों के साथ वापस पहुंचना मुमकिन नहीं। इस तरह शायद हम में से कुछ जिंदा बच जाए। हम अपना हित नहीं पूछे। पहले कहा गया था कि वापसी का इम्कान नहीं है, सबने कहा बिस्मिल्ला, हमने भी कहा बिस्मिल्ला, अब क्या हुआ? कमाल है मेहदी साहब, यानी हम तुम्हें जख्मियों के साथ तन्हा छोड़ दें। मेहदी साहब, मैं यहाँ ठहरूंगा, मैं भी यहाँ ठहरूंगा, मैं भी यहाँ ठहरूंगा, मैं भी यहाँ ठहरूंगा, मैं भी ठहरूंगा, मैं भी इधर ठहरूंगा, मैं भी 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 ठहरूंगा, मैं यहाँ ठहरूंगा, मैं भी की तमाम बोतलें इकट्ठी की हैं तो कुल 22 बोतलें भरी हुई हैं। 30 दिन मुरब्बे और जाम के। नहीं, ये भी वायरलेस तो नहीं बन सकता। खैर, और क्या है? कुछ रोटियां और दूसरी चीजें हैं। खूब, चार तंदुरुस्त आदमियों के लिए एक बोतल पानी और एक टिन मुरब्बे का, हर दो जख्मियों के लिए एक पानी की बोतल और एक टिन मुरब्बे का। ठीक, जाओ तकसीम करो। मिस्टर मेहदी साहब, क्या सलाम, खुश रहो। कुली साहब, ये तुम्हारी बोतल गिर गई, आके उठाता हूं। इन्हें ले आया हूं। सलाम अली साहब। सलाम अली साहब। शुक्रिया, बैठो दोस्तों, बैठो। तुमसे काम है, जाओ नहीं। सूरत हाल की वजाहत की जरूरत नहीं। आप खुद जानते हैं कि सुबह से अब तक हेडक्वार्टर से रابطہ कायम नहीं हुआ। आप एक पैगाम रसां की हैसियत से जाएं, दो दो नफर 10 मिनट के वक्फे से हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो और हमारी हालत से हेडक्वार्टर को आगाह करें। रजा, तुम और हम इकट्ठे, मुश्तवा, तुम और मंसूर इकट्ठे। हमारे रास्ते में दुश्मन के पास दिफाई लाइन नहीं थी, ज्यादातर बारूदी सुरंगों का जाल था, इसलिए तुम में से एक उन्हें नाकारा करने वाला मुंतखब हुआ है। अपनी हवास खूब जमा रखना, मुमकिन है दुश्मन ने फौजों की नकलो हरकत में कोई दिफाई लाइन बना ली हो। अगर एक के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो दूसरा मिशन को जारी रखे, जैसे भी हो खुद को हेडक्वार्टर पहुंचाए। हेडक्वार्टर के लिए मेरा पैगाम यह है, कोई सवाल? जी हाँ, अगर इजाजत दें तो मैं यही ठहर जाऊं। मेहदी साहब, आप लोग जानते हैं मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा,